हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। पहले एक बार फिर से स्वागत है आपका पीजीटी पीजीटी रिजल्ट ग्रुप में। दोस्तों, हम कर रहे हैं केवीएस पीजीटी की तैयारी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही शानदार स्टोरी, दैट इज द एड्रेस। ये स्टोरी कभी ना कभी आपने क्लास 11 में भी सुनी होगी। ये हमारे केवीएस पीजीटी के भी सिलेबस में है, तो हम इस स्टोरी को पूरा डिस्कस करेंगे एंड साथ साथ इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, द एड्रेस एक, मैं ये नहीं कहूंगी कि मजेदार स्टोरी है, लेकिन आपको इसे सुनकर अच्छा जरूर लगेगा। थोड़े से शायद आप इमोशनल भी हो जाएं, क्योंकि ये एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। ये जुड़ी है कुछ ऐसी मेमोरीज से या कुछ ऐसी चीजों से, कुछ ऐसी वस्तुओं से जो वैल्यूएबल तो बहुत हैं, लेकिन उनसे ज्यादा वैल्यू उनकी सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो जो डायरेक्टर है उनकी मदर से जुड़ी हुई है, उनकी मेमोरीज से जुड़ी हुई है। दैट इज वाई ये उनके लिए अनमोल है। तो उन्हीं सारी चीजों की आज हम बात करेंगे और हम बात करेंगे द एड्रेस की। ये कौन सा एड्रेस है जिस पे हमको जाना है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये जो स्टोरी है ये खुद नैरेटर की ही है, तो हम इसको एक बार डिस्कस करेंगे पूरा कि इस स्टोरी में क्या क्या है। चलिए, लेट्स डिस्कस द एड्रेस। स्टोरी के दौरान मैं आपको नहीं देखूंगी, लेकिन फिर से जब हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे तो आई गेट बैक टू यू। ओके, तो चलिए लेट्स बिगिन विद द एड्रेस। लेट्स बी ऑल ईयर्स। देखिए, ये जो स्टोरी है द एड्रेस, ये लिखी गई है बाय मार्का। ये जो लेडी आप देख रहे हैं, ये नैरेटर हैं इसकी, जिनका नाम है मार्गा मिनको। लेकिन मार्गा मिनको ये इनका ओरिजिनल नेम नहीं है। इनका जो ओरिजिनल नेम है वो है बेसिकली सारा मिनको, सारा मिनको। ये इनका पैन नेम है मार्गा मिनको, जिससे ये अपना जो राइटिंग्स है वो लिखा करती थी, जो वर्क्स है वो लिखा करती थी। इनका जन्म हुआ था 31 मार्च 1920 में और अब इनकी एज इस वक्त पर 102 इयर्स है। ये जिनेकन नीदरलैंड्स में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये एक जर्नलिस्ट है और एक राइटर है, सारा मिनको या आप कह सकते हैं मार्गा मिनको। तो ये जो स्टोरी है, दिस इज रिटन बाय मार्गा मिनको। अब स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है? स्टोरी स्टार्ट होती है एक एक जगह से, जहां पर एक नैरेटर, मतलब जो ये खुद नैरेटर हैं, ये जाती हैं और एक डोर बेल को रिंग करती हैं। जो ये डोर बेल रिंग करती हैं, इस पे आप देख भी रहे होंगे, इस एड्रेस का नंबर है डोलिंग 46, मतलब इसका जो एड्रेस है वो है डोलिंग 46। अब ये डोलिंग 46 क्या है? दोस्तों, जब हिटलर का टाइम था तो नाजीज और यहूदी हुआ करते थे, तो जो ये यहूदी थे वो उनको पसंद नहीं थे, जिसकी वजह से उनको वहाँ से जाना पड़ा, भागना पड़ा आप कह सकते हैं। तो वहाँ से जितने भी यहूदी हैं वो अपने सामान छोड़कर वहाँ से भाग गए थे, क्योंकि क्या होता था कि अगर वो वहाँ पर रहते और अपना सामान लेकर भी जाते तो भी उनसे छीन लिया जाता। तो इसलिए जो नाजीज हैं, तो उन्होंने उनमें से जो ये ऑथर हैं, जो नैरेटर हैं, उनकी जो मदर हैं, उनकी एक पड़ोसी हुआ करती थी मिसेस डोलिंग, जिनको इन्होंने अपना सारा सामान दे दिया था, या यूं कह लीजिए कि मिसेस डोलिंग से इनसे सारा सामान ले लिया था कि तुम क्योंकि यहाँ से चली जाओगी तो तुम ये सामान मुझे दे जाओ। तो वहीं से ये स्टोरी स्टार्ट होती है और उसी सामान को लेने एक बार नैरेटर उसके घर जाती है मिसेस डोलिंग के। तो स्टोरी यहीं से स्टार्ट होती है। सबसे पहले जो स्टोरी बिगिन होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? जो नैरेटर है वो जाती है और रिंग करती है एक बेल को। जैसे वो रिंग करती है तो वहां से एक लेडी निकल कर आती है और वो लेडी उनको देखकर कुछ नहीं कहती, या यू कह लीजिए शायद उनको पहचानने की कोशिश करती है। यहाँ पर जो ऑथर है, जो नैरेटर है, जो मार्गा है, वो उनसे पूछती है कि आपने मुझे पहचाना? तो वो कुछ भी नहीं कहती, कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। फिर वो कहती है कि हम लोग यहाँ पर रहा करते थे, मेरी मदर है, उन्होंने आपको काफी सारा सामान दिया था। फिर वो जब ये सुनती है और वो कहती है कि जो नैरेटर है वो उनसे कहती है, उस लेडी से, कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, तो वो क्या करती है कि कुछ भी रिएक्ट नहीं करती और वो क्या करती है, एकदम अपना डोर शट कर देती है। अच्छा, जब वो कुछ लेडी रिएक्ट नहीं करती तो ये जो मार्गा है ये उनसे कहती है कि वो मन ही मन सोचती है कि कहीं मैं किसी गलत एड्रेस पे तो नहीं आ गई। लेकिन फिर वो उस नेम प्लेट को देखती है जहाँ पर लिखा होता है डोलिंग 46, तो वो अब कंफर्म्ड है कि नहीं, शी इज ऑन द राइट एड्रेस, शी इज ऑन द करेक्ट एड्रेस। और जब वो करेक्ट एड्रेस पर हैं तो वो उनसे फिर पूछती हैं, और फिर वो क्या करती हैं, वो उस लेडी को बहुत ध्यान से देखती हैं।
उस लेडी ने एक ग्रीन कलर का कार्डिगन पहना हुआ है, जिसे देखकर उनको याद आता है कि ये तो वही कार्डिगन है जो मेरी मदर पहना करती थी, मतलब ये कार्डिगन मेरी मदर का है। अब जैसे ही वो ये कहती है कि कार्डिगन मेरी मदर का है, तो मतलब ये बिल्कुल श्योर है कि हाँ ये वही घर है जिसमें वो आना चाहती थी, मतलब ये बिल्कुल करेक्ट एड्रेस है। लेकिन वो लेडी बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती और कहती है कि शायद ये सही वक्त नहीं है बात करने का, और वो सीधे डोर को शट कर देती है और वहां से चली जाती है। यहाँ पर जो ऑथर हैं वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं कि कितने बेकार लोग हैं ये, इनको पता है कि मैं यहाँ पर किस काम से आई हूँ, ये कम से कम एटलीस्ट कोई बात तो करते, इन्होंने तो मुझे जस्ट एकदम भगा दिया। तो ये बहुत ज्यादा नाराज हो जाती हैं। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। आफ्टर रिंगिंग द डोरबेल ऑफ मिसेस डॉर्लिंग हु लिव्ड एट नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, अब ये इसका प्रॉपर एड्रेस है, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट है ना। द प्रोटैगनिस्ट कौन जो नैरेटर है, वाज गिवन अ कोल्ड रिसेप्शन एंड मिसेस डॉर्लिंग टुक मच टाइम टू रिकॉग्नाइज हर, बहुत ज्यादा टाइम लगा देती है जो मिसेस डॉर्लिंग है वो उनको पहचानने में। Mrs. Rowling had thought everyone in the protagonist's family was dead and asked if anyone else had come along with her. वो ये सोचती है मिसेस डॉर्लिंग कि शायद इसकी फैमिली में हर कोई मर चुका है, और वो उनसे पूछती है कि कोई और भी है जो तुम्हारे साथ आया है, तो मिसेस डॉर्लिंग से वो कहती है कि नहीं मेरे साथ कोई नहीं आया, मैं अकेली हूँ और मेरी मदर की डेथ हो चुकी है। मिसेस डॉर्लिंग रिफ्यूज टू लेट द प्रोटैगनिस्ट इनसाइड हर होम, मिसेस डॉर्लिंग उसको घर के अंदर आने से मना कर देती है, टोल्ड हर टू कम बैक सम टाइम लेटर, और कहती है कि तुम थोड़े वक्त बाद आना। इस पर जो नैरेटर है, जो प्रोटैगनिस्ट यहाँ पर जो नैरेटर है वही है, वो कहती है कि देखो मुझे बहुत टाइम हो गया और मैं बहुत ज़्यादा दूर से यहाँ पर आई हूँ, और मैं अब अगर मैं सोचिए दोबारा आऊँगी तो मुझे कितना ज़्यादा दूर से ट्रैवल करके आना पड़ेगा, मैं बहुत दूर से आई हूँ, रेलवे स्टेशन ट्रेन से आई हूँ और बहुत लंबी जर्नी थी मेरी, तो मैं अभी वापस जाऊँगी और फिर वापस आऊँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो तुम मुझसे अभी थोड़ी देर बात कर लो। लेकिन इस पे जो मिसेस डॉर्लिंग है वो उससे बात करने से इनकार कर देती है और सीधे उनके उनके मुंह पर ही डोर को शट करके चली जाती है। इससे जो नैरेटर जो प्रोटैगनिस्ट है उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि ये क्या तरीका है बात करने का एंड ऑल, वो वापस चली जाती है बेचारी रोती रोती बड़ी दुखी मन से रेलवे स्टेशन की तरफ वापस आती है। वो ये चीज भी नहीं सोचती कि पता नहीं कैसी स्ट्रीट्स हैं क्या है, वो रास्ते का भी बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, और यहाँ पर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। The protagonist recognized her mother's green cardigan which Mrs. Rowling was wearing. She decided to go back to the train station and thought about her mother and how she told her about Mrs. Rowling who was an acquaintance of hers. अब देखो जब उनका ऐसा बिहेवियर वो देखती है तो वो वहां से वापस चली जाती है, और बड़े दुखी मन के साथ जो प्रोटैगनिस्ट है वो वापस चली जाती है रेलवे स्टेशन की तरफ। लेकिन वो याद करती है कि जब उनके एक बार जब वो घर से वापस आई थी और उनके घर पे कोई भी सामान नहीं था, तो उन्होंने पूछा था कि मम्मी मेरा सामान हमारा सामान सारा कहाँ चला गया, तो उनकी मदर ने उनको बताया था कि मिसेस डॉर्लिंग वो हमारी एक्वेंटेंस है, मतलब हमारी जान पहचान की है, तो हमने सारा सामान उनको दे दिया है। तो यही सोचकर वो वापस आई थी कि वो अपने जो मदर का जो भी वैल्यूएबल सामान था वो उसको देखेंगी ध्यान से, वो क्योंकि उनके लिए इसलिए वैल्यू करता था क्योंकि उससे उनकी मदर की यादें जुड़ी थी। लेकिन मिसेस डॉर्लिंग उन्हें पहचानने से इनकार कर देती है, या ये कह लीजिए पहचान तो लेती है लेकिन उनको अंदर आने से मना कर देती है। ड्यूरिंग द वॉर मिसेस डॉर्लिंग वुड विजिट देयर हाउस एंड टेक देयर पोजेशंस विद हर एज शी डिडंट वांट देम टू गेट लॉस्ट इफ दे एवर लेफ्ट द प्लेस। क्या होता था कि जो मिसेस डॉर्लिंग थी वो उनसे सारा सामान ले जाया करती थी, जितने भी वो सूटकेस खाली करके लाया करती थी, और यहाँ पर जो वो प्रोटैगनिस्ट की मदर है वो उनको बहुत सारा सामान दे दिया करती थी, मतलब पूरा सूटकेस भर के वो भैया यहाँ से लौट जाया करती थी अपने घर पे, तो इनको वही सारी चीजें याद आती हैं, है ना। मिसेस डॉर्लिंग हैड अ ब्रॉड बैग, द प्रोटैगनिस्ट डिसाइडेड टू गो टू मिसेस डॉर्लिंग्स होम टू गेट बैक देयर बिलोंगिंग्स। अब क्या होता है कि जब वो वापस आ जाती हैं, अब वो फिर से आकर रेलवे स्टेशन पे बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, रो रही हैं, याद कर रही हैं कि बता कितने बेकार लोग हैं, उन्होंने मुझे अंदर भी नहीं आने दिया जबकि हमने तो इनके कितना सारा सामान दिया था, शायद ये बहुत ज़्यादा ग्रीडी हैं एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में सोचने लगती हैं। इस पर अब वो रोते रोते फिर से कहती है कि मैं एक बार फिर ट्राई करूंगी, मैं फिर से उनके घर पे जाऊंगी और मैं अपनी मम्मी का जो सामान है मेरा वो मैं लेकर आऊंगी, या फिर मैं नहीं मिलूंगी तो एटलीस्ट मुझको वो चीज़ें सारी देखनी है, मुझे वहाँ फिर से वापस जाना चाहिए, अपने लिए ना सही तो अपनी मदर के लिए मुझे वापस जाना चाहिए। इस पे प्रोटैगनिस्ट फिर से रेलवे स्टेशन से उठती हैं और वो फिर से उसी घर पे चली जाती हैं जिस एड्रेस को वो भी छोड़कर आई थी, जिसका एड्रेस था मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 मिसेस डॉर्लिंग, है ना। तो वो वहीं पर उसी एड्रेस पे वापस चली जाती है।
अब इस बार जब वो बेल को रैंग करती हैं, व्हेन शी रैंग द बेल, मिसेस डोलिंग्स डॉटर, इस बार मिसेस डोलिंग नहीं बल्कि उनकी बेटी दरवाजा खोलती है और मतलब उस डोर को दरवाजे को खोलती है, आंसर करती है, शी लेट हर इन एंड आस्क हर टू वेट इन द लिविंग रूम। अब मिसेस डोलिंग के बारे में जब ये नरेटर उनसे पूछती है उनकी बेटी से, तो वो कहती है कि देखो अभी मेरी मदर घर पे नहीं है, लेकिन आप आ जाओ अंदर और उनका वेट कर लेते हैं, यहीं पर बैठकर आप वेट कर लेते हैं। वो उसको अंदर आने देती हैं एंड आस्क हर टू वेट इन द लिविंग रूम और कहती हैं कि आप लिविंग रूम में बैठकर वेट करो। जैसे ही वो अंदर जाती हैं, उनकी सबसे पहले जितना भी वो सामान वहां पर देख रही थी, तो वो वहां पर क्या देखती हैं कि जितना भी दूर से दूर तक उनको सामान नजर आ रहा था, वो वही सामान था जो वो लोग उनको देकर गए थे, मतलब उनकी मदर ने मिसेस डोलिंग को दिया था। एंड आप जानते हैं उनकी सबसे पहले नजर पड़ती है एक हनुक्का कैंडल स्टैंड पर, जो बेहद खूबसूरत था और बेहद कीमती भी था। जानते हैं वो किसका था? वो ऑफ कोर्स उसी प्रोटोगनिस्ट का था, मतलब प्रोटोगनिस्ट की मदर ने ही उनको दिया था। इनफैक्ट ये जितना भी सामान वहां पर देख पाती हैं, वो देखती हैं कि ज्यादातर सामान मोस्टली वही सामान है जो मेरी मदर ने इनको दिया था, ये और कुछ नहीं बल्कि वही सारा सामान है जो हमने इनको दिया था। तो ये वो उस सामान को वहां पर देखती हैं और ये उस स्टैंड को भी देखती हैं जिसमें ये कभी जो कभी इनका हुआ करता था, लेकिन अब वो इनके पास नहीं है और वो उनके पास है। इनफैक्ट इनकी मदर ने बहुत सारे यूटेंसिल्स, सिल्वर यूटेंसिल्स मतलब चांदी के बहुत सारे बर्तन थे जो इन लोगों को दिए थे, वो भी इन्हीं के पास थे। अब ये जाकर वहाँ बैठती हैं और सारी चीज़ों को देखने लगती हैं, सब चीज़ों की तारीफ भी करती हैं, लेकिन ये चाह कर भी जान कर भी नहीं कह पाती कि सारा सामान हमारा है। दे हैड नेवर यूज्ड because it had been unmanageable, क्योंकि ये unmanageable मतलब उस वक्त इन्होंने उस candle stand को use भी नहीं किया था और without use ये उन्होंने उनको दे दिया था, तो उन्होंने देखा कि क्योंकि वो उसको manage ही नहीं कर पाते थे इसलिए use नहीं कर पाते थे, लेकिन आज वो उस candle stand को देखकर फिर से nostalgia हो जाती हैं क्योंकि वो सारी चीज़ों को याद करती हैं कि ये उन्हीं की चीज़ें हुआ करती थी। When she reached the living room, अब जब वो living room में जाती हैं, she was horrified as she saw all her mother's things that were arranged in a tasteless manner. Tasteless manner यहाँ पर इसलिए use किया गया है क्योंकि वो बिल्कुल भी properly arranged नहीं था। जिस तरह से ये arrange करते थे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर किसके साथ रखी जानी चाहिए, वो बिल्कुल भी उस तरह से arranged नहीं था, लेकिन हाँ सारा सामान वही था और शायद उसकी इतनी proper care नहीं की जानी थी जितना कि होनी चाहिए थी, क्योंकि वो इतने ज़्यादा valuable थे, इतने ज़्यादा कीमती थे, क्योंकि शायद उन्होंने वो चीज़ खरीदी नहीं है तो उनको उस चीज़ का पता नहीं है, लेकिन क्योंकि protagonist की मदर उसको बहुत अच्छे से रखा करती थी तो इस तरह से वो नहीं लग रहा था। The furniture was ugly and the room had a muggy smell. बहुत ही अजीब सी गंदी सी स्मेल आ रही थी वहाँ से और जो फर्नीचर था वो बहुत ही ज़्यादा बेकार था, क्योंकि ये चीज़ें तो सारी उन्होंने ही दी थी लेकिन उन्होंने उसका केयर बिल्कुल भी नहीं किया हुआ था। एंड मेड हर डिसइंटरेस्टेड एंड शी वॉन्टेड टू लीव द प्लेस, और ये सब चीज़ें देखकर उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, उन्होंने सोचा कि मैं इस जगह को छोड़ ही दूँ। मिसेस डोलिंग्स डॉटर ऑफर्ड हर अ कप ऑफ टी, अब मिसेस डोलिंग की जो डॉटर हैं, बेटी हैं, वो ये कहती है, मतलब मिस डोलिंग वो कहती है कि अच्छा एक काम करो आप, क्यों ना मैं आपके लिए चाय बना कर लाऊं, मैं अपनी मदर के लिए भी बना रही थी आपके लिए भी बना दूंगी। तो कहती हैं ओके ठीक है श्योर आप मेरे लिए चाय बना लाओ। प्रोटोगनिस्ट उसको बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेती है। नोटिस एट द ओल्ड टेबल क्लॉथ दैट हैड बर्न मार्क ऑन इट, और उन्होंने ये भी देखा होता है कि जो ओल्ड टेबल क्लॉथ है उस पर एक बर्न का मार्क है, मतलब एक जले हुए का निशान है। When the girl was showing her the silver fork and spoons that actually belonged to the protagonist, she jumped up all walk out of the house. अब देखो यहाँ पर क्या होता है, वो उसके लिए चाय बनाकर लेकर आती है ना, चाय पीती है प्रोटोगनिस्ट यहाँ पर, और जो कप है वो वही कप है, सिल्वर का कप है जो कि उनकी अपनी क्रॉकरी हुआ करती थी, अपनी कटलरी हुआ करती थी। अब वो उनको कहती है कि देखो ये जो कप है क्या ये चांदी का है? तो डॉटर कहती है हाँ ये चांदी का है और हमारे पास ऐसे और भी बहुत सारे बर्तन हैं। तो वहाँ पर वो जो गर्ल है वो उनको वो सारी चीज़ें दिखाने लगती है, वो उनको सिल्वर के फॉक दिखाती है, स्पून दिखाती है, लेकिन गर्ल ये नहीं जानती थी, वो डॉटर ये नहीं जानती थी कि ये ऑलरेडी ये सारी चीज़ें प्रोटोगनिस्ट को ही बिलोंग करती है। प्रोटोगनिस्ट यहाँ पर याद करती है उन सारी चीज़ों को कि एक बार उनकी मदर ने उनसे कहा था कि क्यों ना तुम मेरे साथ सिल्वर के सारे बर्तन को पॉलिश करवाओ या मेरे उनको साफ करने में मेरी हेल्प करो,
तो वहां पर जो नैरेटर है, जो प्रोटोगनिस्ट है, उन्होंने अपनी मदर से पूछा भी था कि मम्मी हमारे पास ऐसे कितने बर्तन और हैं और क्या क्या चीजें हमारे पास सिल्वर की, तो उन्होंने उनको सारी चीजें दिखाई थी। अब यहाँ पर जो डॉटर है वो भी कहती है कि ठीक है मैं आपको मैम वो सारी चीजें दिखाती हूँ जो हमारे पास है सिल्वर की, और वो ये नहीं जानती थी कि ऑलरेडी किसको बिलोंग करती है, प्रोटोगनिस्ट। बट प्रोटोगनिस्ट तो ये जानती है कि सारी चीजें उनको बिलोंग करती हैं, लेकिन वो ये सब देखकर बड़ी ज्यादा एकदम दुखी हो जाती है और वो एकदम अपनी चेयर में से निकल कर, अपनी चेयर पे से बाहर आकर, मतलब तो जिस सोफे पे वो बैठी हुई थी वहां से उठती है और सीधे के सीधे वो हाउस के बाहर चली जाती है। ये देखकर वो बड़ी शॉक्ड होती है उनकी डॉटर और कहती है कि रुको रुको मेरी मम्मी आती होंगी, उनसे मिलकर तो जाना, आप तो उनका वेट कर रही थी। तो कहती है नहीं नहीं मैं अब यहाँ पर कभी नहीं वापस आऊंगी, और वो वहां से जाने लगती है। She decided not to visit the place again. अब यहाँ से प्रोटोगनिस्ट चली जाती हैं बड़े दुखी मन से, क्योंकि वो देख रही हैं कि जितनी भी चीज़ें, इतने वैल्यूएबल आइटम्स जो मेरी मदर ने इनको दिए थे, ये शायद उसकी इतनी अच्छे से वैल्यू नहीं कर रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं क्योंकि अब वो उनको लेकर भी वापस नहीं जा सकती। और यहाँ से जैसे ही वो निकलती है तो वो बहुत ज़्यादा पछताती हैं कि इसे तो मैंने पता नहीं क्यों इस एड्रेस को याद रखा, क्यों मैं यहाँ पर आई, और मुझे ये एड्रेस बिल्कुल भूल जाना चाहिए और मुझे इस प्लेस पर कभी वापस नहीं आना चाहिए। इट ब्रॉट बैक मेमोरीज ऑफ द पास्ट एंड हेंस शी डिसाइडेड टू फॉरगेट द एड्रेस। और अब उन्होंने सोचा कि जो एड्रेस मुझको याद था, दैट इज डोलिंग 46 मार्कोनी स्ट्रीट, मैं इसको बिल्कुल भूल जाऊंगी, ये एड्रेस मैं भूल जाऊंगी, ऐसा इन्होंने सोचा, इन्होंने प्रण लिया। तो बस यही थी स्टोरी, और वो हमेशा के लिए उस प्लेस को छोड़ देती हैं और बहुत ज्यादा दुखी हैं, और वो ये भी सोचती हैं कि अब मुझे ये प्लेस बिल्कुल भी याद नहीं रहना चाहिए। वो ये भी सोचती हैं कि हमारे पास हमारा कितना सुंदर घर हुआ करता था, कितना बड़ा हुआ करता था, जबकि अब हम जिस घर में रहते हैं वो इतना सुंदर और इतना बड़ा भी नहीं है, और शायद ये चीजें जो होती हैं, जो हैं, उनको ले जाने का भी अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो हमारा घर इतना बड़ा नहीं है जहाँ पर ये सारी एंटीक चीजें वहाँ पर अच्छी लग सके, तो ये वहाँ पर उस घर को शायद शोभा नहीं देंगी। तो ये इन्हीं के पास रहने, तो इन्होंने वैसे भी इस चीज की इतना ज्यादा कदर नहीं करी है जितना कि मेरी मदर उसको वैल्यू करती थी। मेरे लिए ये चीजें एक्सपेंसिव, कॉस्टली नहीं है, बट उनके लिए वो चीजें कैसी थी, वैल्यूएबल थी, है ना। तो वैल्यूएबल सिर्फ इसलिए थी क्योंकि उनसे उनकी मदर की यादें जुड़ी थी। वेल दैट्स ऑल फॉर द स्टोरी। तो ये थी आज की स्टोरी, आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। वेल अब हम इस स्टोरी के थोड़े से एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमको, दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझको जरूर बताइएगा। और अब हम आ जाते हैं वापस अपनी स्टोरी पे, मतलब वापस अपने एमसीक्यूज पे। तो अब हम यहाँ पर एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि इस स्टोरी से रिलेटेड है। चलिए अब हम एमसीक्यूज को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज नाउ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड मिसेस डोलिंग ट्रीट द ऑथर व्हेन द ऑथर विजिटेड हर। जब मिसेस डोलिंग कैसा ट्रीट करती है ऑथर को जब वो उनके पास वापस लौट कर आ जाती है, वार्म एंड वेलकमिंग नहीं, कोल्ड एंड हॉस्पिटेबल, ओवर एंजॉयड नहीं, ओवर एंजॉयड तो वो बिल्कुल नहीं होती, वार्म एंड वेलकमिंग तो नहीं है, वो क्या है, कोल्ड एंड हॉस्पिटेबल, इनहॉस्पिटेबल मतलब वो बिल्कुल भी उनको अपने घर तक में नहीं आने देती हैं और उनसे ऐसा रिएक्ट करती हैं जैसे कि वो उनको जानती ही नहीं है, और मतलब बहुत ही वियर्ड बिहेव करती हैं। तो ये क्या हो जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मतलब बड़ा रूड बिहेवियर वो उनके साथ रखती हैं। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन, हु इज हर। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनके फेस ने ऐसा कोई भी साइन नहीं दिया रिकग्निशन का। तो ये हर किसके लिए यूज करा गया है, हर यहाँ पर किसको रिफर करता है, तो हर हियर अल्यूड्स टू मिसेस डोलिंग, किसके लिए यूज करा गया, डोलिंग के लिए, क्योंकि जो डोलिंग है वो दरवाजा खोलती है मिसेस डोलिंग, और जैसे ही वो देखती है उन्हें और वो पूछती है कि क्या तुमने मुझे पहचाना, जब प्रोटोगनिस्ट ये पूछती है तो वो कोई भी रिएक्ट नहीं करती है और चुपचाप खड़ी है। तो इसका मतलब जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा कि ये जो हर है, हर कौन है, मिसेस डोलिंग है। इन व्हाट अटायर डिड द ऑथर फाइंड मिसेस डोलिंग। अब जो अटायर मतलब कैसी ड्रेसअप, कैसे ड्रेस उन्होंने पहना हुआ है, किसने, मिसेस डोलिंग ने।
ऑथर्स मदर्स ग्रीन नेटेड कार्डिगन, ऑथर्स ग्रीन नेटेड कार्डिगन, या ऑथर इज अनेबल टू रिकॉग्नाइज इट, ही नॉट मेंशन इट इन स्टोरी. देखो मेंशन तो है स्टोरी में और रिकॉग्नाइज भी उन्होंने कर लिया था, तो ये दोनों तो गलत हो जाएंगे. उन्होंने कैसा पहना हुआ है, अब ये ऑथर का तो कार्डिगन पहना नहीं हुआ, तब ये ऑथर तो जब खुद एक बच्ची थी. ऑथर्स मदर्स ग्रीन नेटेड कार्डिगन, मतलब उन्होंने ग्रीन नेटेड कार्डिगन पहना हुआ था जो कि उनकी मदर का था. दैट इज वाई इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा. I thought that no one had come back. Why does Mrs. Rowling say this? ऐसा उन्होंने क्यों कहा था कि I thought that no one had come back. कोई भी वापस नहीं आया है. Because she was happy to see the protagonist. नहीं, ये तो वो बिल्कुल नहीं था, वो तो बिल्कुल खुश नहीं थी देखने के लिए, देखकर protagonist को, बल्कि वो तो उनको बिल्कुल inhospitable उनके साथ behave करती है. Because she had been waiting for the protagonist for a long time. ऐसा तो बिल्कुल नहीं है भैया. Because she thought everyone in the protagonist family were dead. बल्कि इसका ये इसलिए था, उन्होंने सोचा कि कोई भी वापस लौट कर नहीं आएगा, ऐसा उसलिए इन्होंने सोचा था, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें ऐसा लगता था कि जो भी पुटकैनिस की फैमिली में वो सब जने मर चुके हैं, तो कोई भी बचा ही नहीं होगा, तो वापस लौट कर क्या आएगा. What was the address that author's mother asked her to remember? कौन सा एड्रेस था जो ऑथर की मदर चाहती थी कि वो हमेशा याद रखे. अब देखो हमें अच्छे से पता है कि वो क्या है, नंबर 46 और मार्कोनी स्ट्रीट है. तो अगर हम इसमें देखें तो मार्कोनी स्ट्रीट सिर्फ दो जगह लिखा हुआ है, जिसमें एक जगह नंबर 50 है जो कि हो नहीं सकता, जबकि एक जगह नंबर 46 है जो कि करेक्ट आंसर है. तो हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, मिसेस डोलिंग्स वॉज डैश ऑफ मिसेस एस. मिसेस एस कौन है, जो कि ऑथर की मदर है और ये है, तो इनका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एन ओल्ड एक्विंटेंस, एक पुरानी जान पहचान है. बस पुरानी जान पहचान इन द सेंस कि जब वो उनके घर के पास रहा करते थे तब वो उनको जानती थी. बी इज द करेक्ट आंसर. मिसेस रोलिंग टुक द पोजीशंस ऑफ द थिंग्स ऑन द प्रिटेंस ऑफ यूजिंग देम, सेलिंग देम, कीपिंग देम सेफ, या बोथ एंड. इन्होंने ऐसा कहा था कि वो इसको क्या करेंगी कि इनको सेफली वो रखेंगी अपने पास, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. वाज द ऑथर कन्विंस्ड विद हर मदर्स आइडिया ऑफ लेटिंग मिसेस डोलिंग टेक अवे देयर थिंग्स. क्या ऑथर कन्विंस्ड थी इस बात से कि जो मदर का आइडिया था ऑफ लेटिंग मिसेस डोलिंग टेक अवे देयर थिंग्स, कि जो मिसेस डोलिंग है उनकी सारी चीजें ले लेंगी, क्या वो इस बात से कन्विंस्ड थी. देखो कन्विंस तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन बेसिकली क्योंकि उनको ऐसा करना पड़ा जस्ट बिकॉज, क्योंकि ऑब्वियसली जब ये चीज़ें जब वो वहाँ पर नहीं होंगी तो उनको देनी तो पड़ेंगी ही, तो पार्शली आप कह सकते हैं क्योंकि वो बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए कन्विंस नहीं थी, लेकिन उनको बाद में उस चीज़ को मानना पड़ा ना? तो हम इसमें कह सकते हैं पार्शली. हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब मिसेस रोलिंग व्हेन शी सॉ हर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द वॉर. ऑथर कैसा डिस्क्राइब करती है मिसेस रोलिंग को जब उन्होंने उसको पहली बार देखा था ड्यूरिंग द वॉर. देखो अ वुमन विद ब्रॉड बैक, अ वुमन विद राउंड नेक बैक, अ वुमन विद अ स्ट्रेट बैक. तो वो कैसी है, अ वुमन विद ब्रॉड बैक. ए. Why did the author wait for such a long time before visiting the address? क्यों उन्होंने इतने टाइम तक वेस्ट किया था? Because she was not interested, because she was afraid to confront her mother's belongings. Yeah, both A and B. उन्होंने इतना समय क्यों उनका वेट किया? ऐसा तो नहीं है कि वो इंटरेस्टिंग नहीं थी, because she was afraid to confront her mother's belongings. तो एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B. Yes. हाँ, तो इसके अब हम और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. दोस्तों वन बाय वन हमें सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, तो
यस, इसका देखो, इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई हैड द ऑथर कम टू विजिट मिसेस रोलिंग्स? बिकॉज मिसेस रोलिंग हैड बिलोंगिंग्स ऑफ ऑथर्स मदर्स, बिकॉज मिसेस रोलिंग कॉल्ड हर, बिकॉज शी मिस्ड मिसेस रोलिंग। देखो, उन्होंने याद तो नहीं किया था, ना ही रोलिंग ने बुलाया, इनफेक्ट उन्होंने तो जाने से इनकार कर दिया था। वो सिर्फ और सिर्फ उनको देखना चाहती थी जो कि बिलोंगिंग्स थी ऑथर की मदर की उनके पास। तो वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वो इसीलिए उनके पास आई थी। हु ओपन द डोर अपॉन द ऑथर सेकेंड विजिट? अब देखो यहाँ पर किसकी बात की गई है, सेकेंड विजिट की, कि जब वो दोबारा उनके पास गई तो किसने दरवाजा अब की से खोला था, अब की बार किसने दरवाजे को ओपन किया था। तो अब की बार जो दरवाजा ओपन किया था वो मिसेस रोलिंग की डॉटर ने ओपन किया था, है ना। किसने ओपन किया था, डॉटर ने ओपन किया था। यहाँ पर आ जाएगा मिसेस रोलिंग्स डॉटर, ठीक है, डॉटर ने अब ओपन किया था जिसने उनको अंदर भी बुलाया था। अनलाइक मिसेस डोलिंग, हर डॉटर वाज डैश्ड टुवर्ड्स ऑथर। अब देखो, जो मिसेस डोलिंग है वो उनकी तरफ बहुत ज्यादा रूड थी, लेकिन जो उनकी बेटी थी उन्होंने उनको अंदर भी आने दिया, उनको चाय भी ऑफर करी, तो वो रूड तो बिल्कुल नहीं थी, मैच्योर भी नहीं कह सकते, मीन भी नहीं कह सकते, वो कैसी थी, हॉस्पिटेबल, मतलब जो मेहमानदारी को अच्छे से कर सके, है ना। तो वो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्रोटैगनिस्ट रिएक्शन व्हेन शी एंटर्ड द लिविंग रूम? उनका जो प्रोटोगैनिस्ट है, मतलब जो नैरेटर है, उनका रिएक्शन कैसा था जब वो जाते हैं लिविंग रूम में? लिविंग रूम में जाते ही वो क्या हो जाती है, एकदम हॉरिफाइड, क्योंकि सारी चीजें जो उनकी थी वो वहां पर उनको दिखती हैं, तो हॉरिफाइड उनका रिएक्शन वहां पर होता है। आई वॉज इन अ रूम, आई न्यू एंड आई डिड नॉट नो, वट डज ऑथर मीन बाय? इस लाइन से ऑथर का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? तो इस लाइन से ऑथर का मतलब हो जाता है, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। तो ऑप्शंस में लिखा हुआ है, शी सॉ फैमिलियर थिंग्स बट इन अनफैमिलियर सराउंडिंग्स, शी सॉ अनफैमिलियर थिंग्स बट इन अनफैमिलियर, तो नहीं थी वो सारी चीजें उनकी जान पहचान की थी, बिल्कुल फैमिलियर थी। शी डिड नॉट रिकॉग्नाइज, ऐसा भी नहीं था। शी डिड नॉट वॉन्ट टू रिमेंबर एनीथिंग, ऐसा नहीं था। इसका जो करेक्ट आंसर है कि उन्होंने क्या कह पाया कि जितनी भी चीजें हैं वो टेस्टलेस मैनर में, मतलब जितनी भी चीजें हैं वो फैमिलियर हैं, मतलब वो उन सारी चीजों को पहचानती हैं, लेकिन वो एक अनफैमिलियर सराउंडिंग्स में, मतलब जहाँ उनको नहीं होना चाहिए वो ऐसी जगह पर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कि बहुत ही बेकार टेस्टलेस तरीके से अरेंज की गई है, तो ए इसका करेक्ट आंसर। How does the author describe the living room? उन्होंने living room को किस तरह से describe किया? Muggy smell, strange atmosphere, sophisticated या both A and B? देखिए, इसका जो हम करेक्ट आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, देखो जहाँ पर जैसे ही वो वहाँ पर रूम में एंटर करती है उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा मगी स्मेल आ रही है और बड़ा स्ट्रेंज एटमोसफेयर, मतलब ठीक से बिल्कुल भी प्रॉपरली अरेंज नहीं है, तो ये दोनों ही करेक्ट हो जाते हैं। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। In what condition did the author find the living room? किस तरह की कंडीशन में उन्होंने लिविंग रूम को पाया था? हाफ हजार्ड, वेल अरेंज्ड? वेल अरेंज्ड तो भैया वो बिल्कुल भी नहीं था, एम्प्टी भी नहीं था, ओल्ड फैशन भी नहीं था, वो कैसा था, हाफ हजार्ड, मतलब जो बिल्कुल भी प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं था, बड़ा बेकार सा लग रहा था। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द ऑथर रिमेंबर दैट द वूलन टेबल क्लॉथ हैड डैश, कि जो वूलन टेबल क्लॉथ पे वो क्या था, तो वो क्या था, एक बर्न का मार्क था ना, जले हुए का निशान था। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, व्हेन डू वी नोटिस द थिंग्स इन अ हाउस, इन द हाउस, व्हेन दे आर आउट ऑफ आवर साइट, व्हेन दे आर यूज्ड, व्हेन दे आर शोन, और ऑल ऑफ द अबव? देखिए, इसमें अगर हम करेक्ट की आंसर की बात करें, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अनुसार, व्हेन डू वी नोटिस, हम कब चीजों को नोटिस करते हैं, द थिंग्स इन द हाउस, है ना, तो व्हेन दे आर आउट फॉर आवर साइट, आउट ऑफ आवर साइट। देखो, कभी कभी क्या होता है, जब चीजें हमारे पास होती है ना तो वो चीजें हमको इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती, लेकिन जब वो चीजें हमसे दूर हो जाती हैं तब हम उनकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो इसी लाइन का मतलब यही यही तात्पर्य ऑथर का, तो व्हेन दे आर आउट ऑफ आवर साइट, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। What was the silver
that the author was once asked to clean by her mother. Silver क्या चीज थी जो उनकी मदर ने एक बार ऑथर से पूछा था करने के लिए. सिल्वर कटलरी थी, है ना. सिल्वर क्या थी? कटलरी थी जो उनकी मदर ने उनसे पूछा था साफ करने के लिए. तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. व्हाई डिड द ऑथर लीव मिसेस डोलिंग इन अ हरी. क्यों ऑथर ने मिसेस डोलिंग को जल्दीबाजी में छोड़ दिया. बिकॉज शी वॉज गेटिंग लेट फॉर द ट्रेन. नहीं, बिल्कुल नहीं. बिकॉज शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू स्टे देयर. बोथ एंड बी नहीं. यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी, सिर्फ और सिर्फ बी, क्योंकि वो ज्यादा देर वहां पर नहीं रुकना चाहती थी. वो बिल्कुल भी उन चीजों को देख देख कर बार बार दुखी नहीं होना चाहती थी. व्हाई डिड द ऑब्जेक्ट्स लूज देयर वैल्यू फॉर द ऑथर. क्यों सारी चीजों ने अपनी वैल्यू को बिल्कुल लूज कर दिया था ऑथर की नजरों. बिकॉज देयर प्राइसेस फेल डाउन. नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है. वो तो बेहद कीमती थे उनके लिए. प्राइसेस की वजह से नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ मदर्स मेमोरी. बिकॉज दे वर डिफिकल्ट टू टेक अलॉन्ग. Because she had new objects, because she saw them in a different surroundings. क्योंकि उन्होंने उन चीज़ों को बेहद ही ऐसी जगह पर देखा था जो उसके लिए बिल्कुल different surroundings थी. जिसके लिए वो चीज़ें नहीं बनी थी वो उन surroundings में बेचारी फंस गई थी. At the end, what does the author decide? अब last में author क्या decide करती है? Forget the address, visit the near year again. नहीं, next year again वो बिल्कुल नहीं visit करेंगी. To remember the address forever, ऐसा भी नहीं था. तो to forget the address, A हमारा correct answer हो जाएगा. Who is the protagonist of the address? Protagonist कौन है address की? Protagonist कौन है जो कि writer है, और writer कौन है जो S की daughter है. तो B हमारे correct answer हो जाएगा. Protagonist यहाँ पर कौन है? Protagonist है यहाँ पर सारा, या आप कह सकते हैं मार्का. The author had come to visit Mrs. Rowling's dash the war. वो after the war आई थी. वैसे तो ये mentioned नहीं है, तो आप इसे after the war कह सकते हैं कि वो war के बाद आई थी, जब सब कुछ ठीक हो गया था. What was the very first out of her mother's possessions that protagonist could recognize? सबसे पहली चीज जो first out of her mother's possession, मतलब उन्होंने सबसे पहली चीज वहां पर क्या देखी, तो वो देखा था हनुक्का कैंडल होल्डर, जिसको वो कभी मैनेज नहीं कर पाए थे, लेकिन अब वो सब देख रही थी यूज होता हुआ. इन टोटल हाउ मेनी टाइम्स डिड ऑथर विजिट द गिवन एड्रेस. तो कितनी बार वो गई? ट्वाइस, टू टाइम्स गई. हु इज द ऑथर ऑफ द एड्रेस. ऑथर कौन है? मार्का मेनिको, है ना. आफ्टर रीडिंग द एड्रेस हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिसेस डोलिंग. आप कैसा डिस्क्राइब करेंगी मिसेस डोलिंग को, कैसा डिस्क्राइब करेंगे? देखो वो मटीरियलिस्टिक तो बिल्कुल नहीं थी, वो बिल्कुल सेल्फिश थी. क्योंकि अब उसे सामान मिल गया, ठीक है, और अब वो उस इंसान को भी पहचानने से इनकार कर रही है, या मिलना ही नहीं चाहती उस इंसान को जिसका कि वो सामान है, कहीं उन्हें देना ना पड़ जाए वापस. तो शी वॉज वेरी सेल्फिश. व्हाट मैसेज डज द एड्रेस टॉक अबाउट. क्या मैसेज देता है एड्रेस हम लोगों को? नॉट टू ट्रस्ट समवन, इम्पोर्टेंस ऑफ थिंग्स, ह्यूमन प्रेडिकमेंट ऑफ वॉर, या फिर नन ऑफ द. हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि नॉट टू ट्रस्ट समवन, किसी को भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी इस दुनिया में फिर अपना नहीं होता. आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं ह्यूमन प्रेडिकमेंट ऑफ वॉर, क्योंकि वॉर के बाद कब क्या होता है, इसकी क्या इफेक्ट्स होते हैं, वो सारी चीजें हैं. तो बी इज द करेक्ट आंसर, है ना. तो ये हमारे खैर सारे एमसीक्यूज थे जो द एड्रेस को लेकर थे. आई होप कि आपको स्टोरी भी पसंद आई होगी, एज वेल एज आपको ये सब भी पसंद आए होंगे. अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ग्रामर वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे, और ग्रामर वाले सेक्शन में आज हम करने वाले हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स. तो चलिए आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स. The family gave father a gold watch on the dash of 15th birthday, on the occasion of event of celebration of time off. क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका? वेल करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑन द ओकेजन ऑफ, है ना. बर्थडे के लिए हम लोग क्या यूज कर लेते हैं? ओकेजन यूज कर लेते हैं. द आर्ट ऑफ कुकिंग डैश इन एंशंट इंडिया. तो जो आर्ट ऑफ कुकिंग थी वो वॉज परफेक्टेड, इज परफेक्टेड, विल परफेक्ट, परफेक्टेड. देखो आर्ट ऑफ कुकिंग कब की बात हो रही है? एंशिएंट इंडिया की, तो पास्ट की बात हो रही है. तो आप ये क्या यूज करेंगे? वाज परफेक्टेड इन एंशिएंट इंडिया. नाइदर श्याम डैश रोहित केम टू द स्कूल टुडे. तो देखो यहाँ पर क्या है? नाइदर यूज करा गया है, और नाइदर के साथ हम पेयर में हमेशा क्या यूज करते हैं? नॉट यूज करते हैं. तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. साइंटिफिक रिसर्च हैज नाउ डैश दैट अ फिश रिच डाइट कैन हेल्प डैश डिप्रेशन. तो साइंटिफिक रिसर्च हैज नाउ, अगर हम कहते हैं एस्टेब्लिश्ड, तो एस्टेब्लिश्ड तो साइंटिफिक रिसर्च नहीं हो सकती, कंफर्म्ड
कंफर्म किया है दैट अ फिश व्हिच डाइट कैन हेल्प कर्ब डिप्रेशन. कर्ब डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन को कम करने में वो काम कर सकता है. तो ये कर्ब डिप्रेशन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा. अब रिलीज्ड नाउ, रिवील्ड नाउ, तो अकस्टम, ये सारे वर्ड यहाँ पर सूटेबल नहीं है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. His brightest success was dash all expectation. तो देखो जो ब्राइट सक्सेस है वो सबकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर थी, एक्सीडेड थी, ओवर थी. इसके लिए जो करेक्ट प्रपोजिशन हम यूज करते हैं वो है बियॉन्ड ऑल एक्सपेक्टेशन. ठीक है, बियॉन्ड ऑल एक्सपेक्टेशन मतलब सबकी उम्मीदों से परे, तो यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा. His logic dash everyone, including the expert. तो उसके लॉजिक ने क्या कर दिया था, सबको हक्का बक्का छोड़ दिया था, तो भैया सरप्राइज्ड कर दिया था. सी विल बी द करेक्ट आंसर. द कॉन्विक्ट ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू जस्टिफाई हिमसेल्फ बट जज लुक्ड डैश हिम एंड फाउंड हिम गिल्टी. तो द जज बट जज लुक्ड, देखिए अगर हम अराउंड हिम कहते तो वो कोई उसके आसपास देखकर थोड़ी ना कुछ बता देगा. एट हिम, एट हिम तो सिर्फ उसको देखना हो गया, इसके चीज के बारे में कुछ बताना तो हुआ नहीं. लुक्ड टू हिम नहीं होगा, लुक्ड थ्रू हिम हो जाएगा. लुक्ड थ्रू हिम का मतलब उसको इन्वेस्टिगेट किया, जैसे उसके बारे में पूरी जांच परख की. तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. आई एम नॉट एंग्री डैश यू पॉल. तो मैं एंग्री नहीं हूँ किसके साथ, पॉल के साथ. तो हम यहाँ पर देखो एंग्री के लिए हम वर्ड यूज करते हैं विद या एंग्री ऑन, है ना, या एंग्री एट. तो यहाँ पर एंग्री विद यूज करना करेक्ट होगा. सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. माई अंकल न्यू दैट हिज बॉस डैश टू नागपुर. यहाँ पर माई अंकल न्यू, मेरे अंकल को पता था कि मेरे जो बॉस हैं वो कहाँ गए हैं, नागपुर गए हैं. तो एक जब पास्ट में तो जा चुके हैं तो क्या हो जाएगा, हैड गॉन टू नागपुर, है ना. तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. टेक्नोलॉजी स्टार्ब्ड कस्टमर वुड ओनली बी डैश टू बी प्रेजेंटेड विद अ न्यू प्रोडक्ट. देखो यहाँ पर क्या है, टेक्नोलॉजी स्टार्ब्ड कस्टमर वुड ओनली बी डैश टू बी प्रेजेंटेड विद अ न्यू प्रोडक्ट. तो डिक्लेरेटिव, इरिटेबल, इरिटेबल तो ऑब्वियसली नहीं होगा, थ्राइविंग में थ्रिल्ड हो जाएगा, है ना. थ्रिल्ड इज द करेक्ट आंसर. द कोर्ट डैश कॉग्निसेंस ऑफ द क्रिमिनल्स वर्ड. यहाँ पर क्या हो जाएगा, द कोर्ट took cognizance. तो यहाँ पर took correct answer हो जाएगा. I haven't seen you. अब देखो for a week की बात हो रही है, पूरे हफ्ते मैंने तुमको नहीं देखा है, तो यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा, for a week. duration की बात हो रही है तो for use करेंगे. The truck was dashed the traffic and the policeman asked the driver to move off. अब जो truck है वो क्या कर रहा था, मतलब fail नहीं कर रहा था वो traffic. वो क्या कर रहा था कि उसको बढ़ा रहा था, मतलब उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था, उसकी वजह से सब कुछ बेकार होता जा रहा था. तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब उसी की वजह से ट्रैफिक लग रहा था. वी वर जस्टिफाइड इन एक्यूजिंग. एक्यूजिंग के साथ हम हमेशा प्रपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं, तो यहाँ पर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. द इम्प्रूवमेंट मेड बाई चेंजेस इन द सिस्टम वॉज डैश एंड डिड नॉट वॉरंट द लार्ज एक्सपेंस. तो जो इम्प्रूवमेंट हुआ चेंजेस में इन द सिस्टम, ठीक है, वो कैसा था, वो बहुत ज्यादा, और देखो एक्सपेंसेस की यहाँ पर बात हो रही है कि वो ज्यादा एक्सपेंस उसमें नहीं हुआ, तो वो कैसा था, मार्जिनल था, मतलब बहुत ज्यादा मार्जिनल, तो डी हो जाएगा. वैसे इसमें आप माइन्यूट भी कह सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा छोटा था. सिंस एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग्स फादर नेवर अप्रूव्ड ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग द कपल एलोव्ड टू इटली वेयर दे लिव्ड हैप्पीली आफ्टर. ये जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है, ये क्या हो गया, इन्होंने भाग के शादी कर ली थी, तो अप्रूव्ड ऑफ शी टू मैरी तो नहीं होगा, शी मैरिंग भी नहीं होगा, ये करेक्ट नहीं होगा. हर मैरिंग रॉबर्ट ब्राउनिंग, ये देखो जो एलिजाबेथ हैं बैरेट ब्राउनिंग, ब्राउनिंग्स फादर, यस, तो हर मैरिंग रॉबर्ट ब्राउनिंग. Yes, तो मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. She dashed a brief appearance at the end of the party. तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, put across. I was totally by his line of thinking and could not put forth any argument. degraded
वंस ही हैज साइंड द एग्रीमेंट ही वोंट बी एबल टू, देखो जैसे ही वो साइन कर देगा तो ही वोंट बी एबल टू बैकआउट, है ना, कि वो उसके बाद बैकआउट नहीं कर सकता. कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन इज एन, अब देखो कॉपी करना के एग्जामिनेशन में वो क्या है. अब यहाँ पर एक आप चीज देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एन, एन के बाद हम हमेशा वही वर्ड्स को यूज करते हैं जो कि वॉल के साथ आते हैं, ठीक है, मतलब उनके साथ वॉल का आना जरूरी है, वॉल साउंड का आना जरूरी है. मोर्टल तो यहाँ पर आ नहीं सकता, है ना. अब ये तीन वर्ड बचे. अब इमोर्टल का मतलब होता है जो मृत हो, या फिर मतलब जो चीज जो अमर हो, तो अमर तो होगा नहीं कॉपिंग करना, तो वो क्या हो जाएगा, इमोरल हो जाएगा, है ना. तो इमोरल इज द करेक्ट आंसर, मतलब वो मॉरल लेस है, दैट इज नॉट अ मॉरल एक्ट. तो यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा. वेल ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स थे जो आज हमने डिस्कस किए, विच विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर एग्जाम्स. तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं ऑफ करते हैं. थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर.